सदन के समक्ष दहेज प्रथा के संबंध में जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है वह बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण विधेयक है। मैं इस सदन से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस विधेयक पर विस्तार से चर्चा की जाए और ऐसा कानून बनाने की सिफारिश की जाए जिससे समाज की इस बहुत बड़ी बुराई को जड़ से मिटाया जा सके। मैं यह भी मानता हूँ कि समाज की इस बुराई को कानून के द्वारा जल्दी दूर नहीं किया जा सकता है। कानून के साथ साथ कुछ ऐसे कार्यक्रम भी हमें बनाने होंगे जिनके माध्यम से देश की जनता को इस बुराई से के विषय में अच्छी तरह से समझाया जा सके। दहेज प्रथा पुराने समय में हिंदू धर्म में प्रचलित थी, लेकिन अब धीरे धीरे यह प्रथा सभी धर्मों में बीमारी की तरह फैल चुकी है और अब धीरे धीरे एक व्यवसाय का रूप ले चुकी है। हिंदू समाज में विवाह भी एक पवित्र धार्मिक कार्य माना जाता है, लेकिन उसके साथ साथ धन दौलत और लेन देन का व्यवसाय भी जुड़ गया है। महोदय, इस बुराई को दूर करने के लिए हमें कानून भी बनाना होगा और साथ साथ पूरे देश में इसके लिए हमें एक जनमत भी तैयार करना होगा जिससे लोग इस बुराई के विषय में अच्छी तरह से जान सकें। बाल विवाह को रोकने के लिए कानून बना हुआ है, लेकिन हम देखते हैं कि हजारों बाल विवाह हो रहे हैं। इसका पता न तो सरकार को है और न ही ऐसे लोगों को सज़ा मिलती है। इसलिए केवल कानून बनाकर बैठ जाना उचित नहीं है। सरकार को समय समय पर इस बात का भी पता लगना चाहिए कि कानून का पालन हो रहा है या नहीं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि केवल कानून बनाने में सामाजिक बुराई को समाप्त नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार की सामाजिक बुराई को समाप्त करने के लिए हमें समाज में जाकर काम करना होगा। आम जनता को घर घर जाकर दहेज जैसी बुरी प्रथा के विषय में जानकारी देनी होगी। उन्हें यह भी बताना होगा कि यदि इस प्रथा को समाप्त नहीं किया गया तो उनका विकास कभी नहीं हो सकेगा और वे सदा गरीबी में अपना जीवन बिताते रहेंगे। इस कार्य के लिए हमें देश में ऐसी संस्थाएं बनाने का प्रयत्न करना होगा जो देश सेवा की भावना से काम कर सकें। सभापति महोदय, मैं आज विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को उसके कार्यों के लिए बधाई देता हूँ। उसके अध्यक्ष एक प्रसिद्ध विद्वान हैं और शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान बहुत अधिक रहा है। अनुदान आयोग के जो मंत्री हैं उन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से शिक्षा की बहुत सेवा की है। मुझे वहाँ के कार्यकर्ताओं से केवल यह कहना है कि कुछ क्षेत्रों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नाम को एक कलंक लग रहा है और वह है पक्षपात का कलंक। ऐसा पता चला है कि वहाँ के कुछ कार्यकर्ता विश्वविद्यालय में परीक्षक होते हैं।